गणेश जी ननिहाल आए माँ को ले जाने के लिए वापस कैलाश, ताकि माँ आ चुकी थी एक दिन पहले, और शिव जी एक दिन भी गौरी के बगैर रह नहीं पाए, तो पुत्र को भेज दिया, तुम जाके तुम्हारे अम्मा को लेके आओ। तो वो आए, फिर दूसरे दिन ननिहाल में खूब मोदक खिलाया, गणेश जी ने इतना खाया, दिन भर खाया, तो शाम को वो बैठ नहीं पाए, कुछ ठहलने का मन किया, तो अपने मूषक पर सवार निकले वो। जब निकले मूषक सरक गया, ये गिर गए, पेट फट गया, पेट फट के सारे मोदक बाहर निकलाए। इसको देख के ऊपर से चंद्रमा हंसने लगे, तब गणेश जी को बड़ा गुस्सा आया, मेरा हास्य हो रहा है मेरे को, तो उन्होंने एक दान तोड़ के चांद पर फेंका, तो तब से चांद को दाग लग गया, ये एक दंती हो गए, चांद पर एक दांत इनके आधा टूटा हुआ दांत चांद को लग गया, और इन्होंने शराब दे दिया, चांद को कोई देखे नहीं। फिर चांद बाबा बहुत घबरा गया, फिर माफ़ी मांगा, सब करने के बाद उन्होंने कहा चलो फिर ठीक है, मगर चौथी के दिन कोई देखेगा तुम्हें तो उसके ऊपर अपवाद आ जाएगा, लोग उसको देख के हंसे। पेट फटा हुआ गणेश जी ने क्या किया, फिर सारे मोदक को पेट पर लगाकर क्या करना, इधर उधर कोई नहीं है, तो एक सांप जा रहा था, उस सांप को पकड़ के अपना बेल्ट बांध ली, तो गणेश जी के पेट पर वो सांप है। तो ये कहानी भी सुन के लोगों को लगे ये क्या कहानी, गणपति के एक हाथ में मोदक है, मोदक माने खुशी, जो संतोष को देने वाला है वह है गणपति, और अभय हस्त दे रहे, घबराओ मत, सारा सुख मैं दे रहा हूँ, संतोष दे रहा हूँ, तो जिस संतोष के लिए तू घुमा फिर रहा है, टटोल मटोल रहा है इधर उधर, ऐसा सुख मेरे पास है, मैं तुमको दे ही रहा हूँ, जरा सबर करो, सहनशील रहो, अभय और वरद हस्त। बड़ा पेट गणेश जी का इसलिए है कि वो सब कुछ को स्वीकार कर ले, जहाँ ज्ञान होता है, बोध होता है, वहाँ सहनशीलता जरूर होती है, जागृत अवस्था में सहन करना, इसीलिए पेट बड़ा है मगर उसके ऊपर एक सांप मंडरा रहा है, सांप का चिन्ह ही यही बताता है कि जागरूकता, सजगता, सजगता पूर्वक स्वीकार करना बोधवान का लक्षण है। तो वो सब समेट करके अपने भीतर जागृत अवस्था में चलते कैसे, छोटे से मूषक के ऊपर। इस सहनशीलता को देख के हंसने वाला कौन होता है, छोटा मन, पूर्ण चांद नहीं है, चौथी का चांद तो बहुत छोटा सा होता है, छोटा सा चंद्रमा मनसो जाता, चांद और मन का बहुत गहरा घनिष्ठ संबंध है, बोधवान को सब नहीं समझते, वो भी छोटे दिमाग के छोटे मन कभी नहीं समझ पाता, छोटे मन तो हमेशा बातों को उड़ाता रहता है, किसी चीज को ध्यान से गौर से नहीं देख पाता छोटा मन। तो वो छोटा चांद जो प्रज्ञा के विरोध में चलता है, प्रज्ञा को नहीं समझता, उस पर एक निशान, एक दांत अपना रखा, माने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी अपना बनाया। एक दंत का एक और अर्थ है एक दृष्टि, किसी चीज को रगड़ना हो, पीसना हो, चबाना हो, दो दांत की जरूरत पड़ती है। एक दंत उसी को कहते हैं जो काटता नहीं है, जो चबाता नहीं है, बाहर का वस्तु को चबा के अपना बनाते हैं, काट काट के चबा के हम उसको अपना शरीर का अंग बनाते हैं, जो इतना सरल सराग है, जैसे पानी, जैसे कीर को कोई नहीं चबाता है, कीर तो पी लेते हैं, सरस है, सरल है, बोधवान के लिए सारा जगत सरल है, सहज है, चबाना नहीं पड़ता। गणपति किसी को चबा ही नहीं सकते, ताकि एक ही दंत है, चबाने की कोई जरूरत ही नहीं, ताकि सब कुछ उन्हीं का अपना अंग है, इसीलिए कहा एक दंतम। दंतम का दो और भी अर्थ है, माने देने वाला, दिया हुआ है। छोटे चंद्रमा पर दृष्टि मत डालो, चौथी पर, इसीलिए ये कहते कि
तो प्रज्ञा में रहो, जो तुम्हारा मन कहता है छोटा मन उस पर नहीं जाओ, तो तुम्हारी बुद्धि कहती है उस पर चलो। जो लोग बुद्धि पर विश्वास करते, प्रकांड बुद्धिमान होते हैं, वो अपनी छोटी मोटी भावनाओं का उपेक्षा करते हैं, ताकि मन का क्या भरोसा है, कभी कुछ पसंद करते बाद में नहीं पसंद करते फिर पसंद करने लगते, मन पर नहीं भरोसा करते वो बुद्धि पर चलते हैं। अपने बुद्धि पर जो बोध होता है, निर्णय होता है, वैसा चलते हैं। मन कभी निर्णायक नहीं, बुद्धि जरूर निर्णायक हो। बुद्धि सारे विघ्नों को हरता है, मन विघ्नों को पैदा कर देता है। फिर गणेश जी के हाथ में एक है पाश, दूसरे हाथ में है अंकुश। अंकुश माने जगाना, कुंडलिनी शक्ति या चैतन्य शक्ति को जगाना एक अंकुश है। जगा दिया फिर उसको एक तरह से नियंत्रित करना है, ये पाश है नियंत्रण करना। जागृत भी रहना, नियंत्रित भी रहना, तभी जीवन की धारा ढंग से चल पाए। जीवन में शक्ति जागृत हुआ, किसी को बहुत धन मिल गया मगर नियंत्रण में नहीं है तो बेकार हो जाए। बुद्धि बहुत है मगर नियंत्रण में नहीं है बुद्धि, आदमी पागल हो जाता है। इसी तरह से शक्ति जब जागृत हुआ वो नियंत्रण में रहे तो विघ्न नहीं कोई जीवन में। इसका प्रतीक है, एक हाथ में पाश है, दूसरे हाथ में अंकुश है। जागृति करना, नियंत्रण करना, फिर अभयदान देना। सिर्फ अभयदान देने नहीं, मोदक, प्रसन्नता, खुशी, मौज मस्ती, ये प्रदान करना। इसलिए गणपति हास्य प्रिय है। जो बुद्धिमान है वही हास्य प्रिय हो सकते हैं। जो चंद्रमा में फंसा हुआ है, सिर्फ भावुक है, वो रोता पीटता रहता दिन भर, हर चीज में कोई ना कोई गलती देखता रहता, ढूंढता रहता है। बुद्धिमान है इन सब चीज़ों को, किसी भी विघ्न को विघ्न नहीं मानता, उसके भी नायक हो जाता, विघ्न के भी नायक हो जाता, वो अपने नियंत्रण में होता है। चूहा है गुरु मंत्र का प्रतीक। बड़ा ज्ञान आता है एक छोटे से मंत्र के जरिए। बहुत विशाल ध्यान का अनुभव होता है, चैतन्य महासागर का अनुभूति होती है एक छोटी सी मंत्र से। बड़े बड़े प्रयोग होते हैं छोटे से मैथमेटिकल फार्मूला से। गणित के एक छोटे से फार्मूला में विज्ञान के बड़े बड़े सिद्धांत सवार होते हैं। तो वो सूत्र का सूचक है चूहा। और चूहा काटता है, चूहा तर्क और वितर्क का एक प्रतीक है। तर्क वितर्क छोटे होते हैं, जैसे एक तर्क वितर्क होता है कि मैं कौन हूँ, ये मैं कौन हूँ एक छोटा सा प्रश्न से आत्मज्ञान कोई प्राप्त कर सकता है। तो चूहा छोटा हो माने तर्क छोटा भी हो तो वो बहुत बड़ा ज्ञान को हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। इसलिए वो सिर्फ कोई चूहा के ऊपर हाथी बैठा हुआ ऐसा नहीं है, चूहा माने तर्क है या वितर्क है। संस्कृत में उत्तर शब्द का दो अर्थ है, एक तो पश्चात माने बाद में जो होने वाला है वो उत्तर, दूसरा जवाब, सवाल का जवाब। जो हर जवाब में विश्राम कर रहे हैं वैसा सिर चाहिए, माने जिस सिर के लिए हर जवाब आसान है, हर तरह की प्रश्न को सुलझाना आसान है। वैसा तो एक ही हाथी का सिर मिला, या जिसकी प्रज्ञा, जिसका सिर भविष्य में था, माने दूरगामी था, दूरदृष्टि थी, जिसके मस्तिष्क पर भविष्य का ज्ञान उपजता था, ऐसा सिर चाहिए, ऐसा प्रज्ञा की जरूरत रही। भविष्य के प्रति जो एकदम आराम से रह रहे हैं, भविष्य का कोई आशंका नहीं, कोई तनाव नहीं है, सो रहे हैं भविष्य के बारे में, रिलैक्स्ड हैं, और जिनके भीतर किसी भी शंका का समाधान निरर्गल होता है, माने सहज ही निकलता है, वो भी है। देखिए कहते हैं ना, जो तज्ञ होते हैं, भोजन बनाने के तज्ञ होते हैं, उनको कहते हैं सोते सोते बना देंगे। अच्छा खिलाड़ी हो तो कहते हैं तो सोते सोते गोल बना देंगे। माने जिसके भीतर सभी उत्तर ऐसा मौजूद है, ऐसा एक सिर, ऐसा एक ज्ञानेंद्र गणेश जी का है। इस दृष्टिकोण से इसको देखा जाना चाहिए। अच्छा, उसमें एक और वैज्ञानिक तौर से कहते हैं, उत्तर दिशा में
कोई नहीं सिर रख के सो रहा था। क्यों? मैग्नेटिक जो तरंग है दक्षिण से उत्तर की ओर जाते रहते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के सीधा सोने से आदमी ज़्यादा थकावन महसूस करता है और शरीर का शक्ति क्षीण होने लगता है। तो एक ही हाथी का सिर मिला जो उत्तर दिशा की ओर सिर रखे हुआ, माने जिसके सिर में सब सवालों का उत्तर है, जवाब है, ऐसा सिर। तो ये गणपति का एक रूप है। इसको हम लोग सबको समझा दें, बच्चे बच्चे को, फिर कोई इस पर उंगली उठाए, कोई पूछे, तो हमें जवाब देना भी आएगा। पूजा का यही है लक्षण, ईश्वर जो सर्वव्यापी है उसको थोड़ी देर हम अपना आनंद मनाने के लिए इस मूर्ति में आवाहन करते हैं। वो गणपति पप्पा को मूर्ति में आवाहन किया, जी भर के उनसे खेला, उनसे पूजा किया, अपने आभार व्यक्त किया, अपना कृतज्ञता को प्रकट किया, प्रार्थना करी, जो तुम्हें चाहिए उस पर प्रार्थना किया। फिर सब करने के बाद कहते, फिर वापस तुम मेरे दिल में समा जाओ करके वापस अपने भीतर उनको समा करके वो मूर्ति को विसर्जन कर देते हैं। ये प्रथा चली आ रही है, ये बड़े बुद्धिमानों ने किया हुआ एक पद्धति है, इसको समझना भी बुद्धिमानी है।